Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा की एक बड़ी भूमिका है। कई बार यूपी की सत्ता संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कई बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बड़े नेताओं का जिक्र होता है, मायावती का नाम जरूर सामने आता है। मायावती के राजनीतिक जीवन के बारे में तो लोगों को बहुत पता होगा, लेकिन उनके निजी जीवन की जानकारी कम ही लोगों को होगी। तो चलिए हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ राज के बारे में बताते हैं। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती बसपा अध्यक्ष हैं और राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। इनकी इच्छा अब प्रधानमंत्री पद संभालने और राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की भी है। हालांकि कम ही लोगों को पता होगा कि मायावती तो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, वो तो आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी। इसी वजह से वो दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी। हालांकि कांशीराम की वजह से तो राजनीति में आ गई और उनको 2001 को कांशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती के पिता का नाम प्रभुदास था। कम ही लोगों को पता होगा कि मायावती के पिता प्रभुदास उनके राजनीति में जाने के फैसले से बेहद नाराज थे। इतना ही नहीं, उनको मायावती और कांशीराम की नज़दीकियाँ भी पसंद नहीं थी। उन्होंने तो मायावती को कांशीराम से दूर रहने तक को कह दिया था। हालांकि मायावती ने अपने पिता की बात नहीं मानी और कांशीराम के साथ राजनीति में उतरने का फैसला ले लिया। मायावती ने पत्रकार राजीव शुक्ला को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने शादी न करने का फैसला अपने समाज की वजह से लिया है। मायावती ने बताया कि अगर वो शादी कर लेती तो दुनियादारी में उलझ जाती और इसके बाद मिशन के काम पर ध्यान नहीं दे पाती। इसी वजह से उन्होंने शादी नहीं की है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।